गाजियाबाद में भारतीय वीर दल ने लोनी से किया 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान। भारतीय वीर दल राजनीतिक संगठन में आज लोनी के गांव बलोनी में कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राष्ट्रीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। विजय कसाना ने बताया कि समय की मांग को देखते हुए उन्हें एक राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए राजनीति में भागीदारी होना अति आवश्यक है। इसे लेकर उनका दल उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जगह पर भी कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में उनका परिणाम संतोषजनक रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी भागीदारी होगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लवनी की जनता को और अपने गुर्जर समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे गुर्जर समाज में जो त्रुटि दिख रही है, एकता नहीं हो पाती, उस एकता को जन जागरण करने की शुरुआत जो हमारे विजय कसाना जी ने की है और एक हमने भी यहाँ पूरे समाज में उस पूरे क्षेत्र में फैसला किया है कि एक तो गुर्जर समाज का एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें गुर्जर इतिहास की सभी पुस्तकें रहेंगी, आने वाली पीढ़ियों को गुर्जर के इतिहास के बारे में। चुनाव को लेकर क्या योजना है? चुनाव को लेकर के हमारी जो योजना है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे दल कितने बने हैं और वो सबके सब जो है कामयाब नहीं हो पाते। हमारी पार्टी की जो योजना है, हमारे फिलहाल ये योजना अपने समाज को जगाने की कि जो हमारी आसपास की जो 4-5 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें गुर्जर बाहुल वोट हैं और वही सीट आरक्षित हैं हमारी, सबसे पहले हम उन आरक्षित सीटों पे अपनी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर के जाएंगे और अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि अपनी पार्टी की तरफ। प्रधान जी, लोनी विधानसभा गुर्जर बाहुल माने जाते हैं, तो कि यहाँ पर भी कोई उम्मीदवार होगा? लोनी विधानसभा की उम्मीदवारी का तो ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ उम्मीदवार की जो पार्टी का जो जन जागरण जो चल रहा है उसमें निर्णय दिया जाएगा कि हम यहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं या नहीं है। गौतम प्रधान जी का बहुत बड़ा, ये पार्टी के फाउंडर हैं, पार्टी को बनाने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 100 लोग तो इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और इसको बनाने वाले हैं, जिनमें आत्म प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान पार्टी के बनने से पहले से भी, जो शुरुआती दौर में हम मिशन के रूप में काम कर रहे थे। तो ये जो कार्यालय खोला है यहाँ, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान मिल गया है जहाँ से हम लड़ाई को यहाँ अपने फाउंडेशन बनाएंगे, यहीं से अपनी सारी सेना को यहां से शुरुआत करेंगे और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा। 2022 को लेकर किस तरह की पार्टी की तैयारी है? जी, निश्चित तौर पर 2022 में हमारी कैडर बेस्ड राजनीतिक पार्टी है और कैडर का सीधा सा मतलब है हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से भी इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। तो अब हमारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के विशेषकर साथी और उत्तर प्रदेश में भी दूसरे क्षेत्रों से भी आकर आज उन्होंने यहाँ पर शुरुआत कर दी है और चुनाव का 2022 के चुनाव का रिजल्ट सुन के जाने की उनकी तमन्ना है कि हम लोग कभी वापस जाएंगे। नेशनल पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टियाँ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम पार्टियाँ 2022 की तैयारियों में लग रही हैं। अभी अचानक जो नई पार्टी है, किस तरह आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या आपका मैनिफेस्टो होगा? क्या योजनाएँ आपकी होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर इनसे लड़ने के लिए हमें बहुत बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों के पास आज विकल्प खोज रहे हैं। जो 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीद बढ़ी हुई थी, नौजवानों को लग रहा था कि नौकरी, रोजगार और जितने भी उन्होंने वादे किए थे वो तमाम फ्लॉप पर फेल होकर आज धर्म की राजनीति पर पूरी पूरी तरह से भाई भाई को लड़ाने का काम कर दिया है। तो भारतीय वीर दल का तो एक ही बात है कि हम सबको समानता और एक सामाजिकता पैदा करेंगे, सबसे पहले भाईचारा की भावना पैदा करेंगे। लोनी से उम्मीदवार होगा भारतीय वीर दल का विधायक? देखिए, ये तो बैठ के निर्णय हमारी कमेटी लेगी, अभी चुनाव की कमेटी हम बैठेगी और हमारा चुनाव की कमेटी का जो निर्णय होगा, निश्चित तौर पर जिन जिन विधानसभाओं पर हम मजबूती के साथ उतर सकते हैं, लड़ सकते हैं, निश्चित तौर पर वो फैसला जल्दी लिया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।